पांवटा से शिलाई एनएच 707 मार्ग का कच्ची ढांक मार्ग भूस्खलन के चलते संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे में कच्ची ढांक से होकर सफर करना और अधिक खतरनाक हो गया है। एक तरफ पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ भूस्खलन की भी आशंका बनी हुई है। विभाग के कर्मचारी और मशीन स्पॉट पर तैनात है, लेकिन पहाड़ी से पत्थर लगातार गिर रहे हैं। हालांकि 18 दिन बाद मंगलवार को एनएच विभाग द्वारा कच्ची ढांक व सतौन स्कूल मोड़ पर बंद हुए मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, पर मौसम विभाग द्वारा फिर बरसात का अलर्ट है, जिसके चलते यह मार्ग कब तक खुला रह सकता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।